केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गुरुवार को नियमित विमान सेवा से सुबह 9 बजे रायपुर पहुंचे, जहां से वे सीधे रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय पहुंचे और राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस व्यक्ति का दामन साफ न हो, जिस पर कोयले की दलाली से लेकर न जाने कौन कौन से आरोप लगे हों, उन्हें तो शर्म से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता, पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है। और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो एक एक साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं, और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। देखिए, जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो और अपना किया कुछ ना हो, 5 साल में शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर ना जाने क्या क्या आरोप लगे, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप नहीं लगे, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, सोना पकड़ा गया है, शर्म से ही इस्तीफे दे देना चाहिए थे, नहीं दिए, अब जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी।